आपने कहा कि आपने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, आपने दिल से दिल में आया और आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ काम करूंगा। कुछ आपके माइंड में जो हो आपने बात? मेरे दिमाग में कुछ नहीं है, मैं तो बिल्कुल एक क्लीन स्लेट लेके यहाँ पर आया हूँ। और जब आप पूरी तरह से आत्मसमर्पण करते हैं, टोटल सरेंडर, फिर सवाल उस पर नहीं लगाते, आप मुझे क्या देंगे, मैं ये कर सकता हूं या नहीं, मैं ये करूंगा या नहीं, फिर आप पूर्ण विश्वास के साथ और आत्मविश्वास के साथ और पूरी श्रद्धा के साथ और पूरी भक्ति के साथ वो काम करें। तो मैं इसको राजनीति के तौर पर नहीं देखता हूं और अपने आप को नेता बिल्कुल नहीं, मैं अभिनेता ही रहूंगा। लेकिन हम सबका चूंकि एक सामाजिक दायित्व है, जिम्मेदारी है, उसके तहत हम क्या कर सकते हैं, ये सोच के मैं यहां पर आया। और मुझे लगता है कि हम बाहर एक दायरे में, एक परिधि के बाहर बैठ के बहुत सारी बातें करते रहते हैं अपने ड्राइंग रूम में, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये गलत है, वो गलत है। हमें व्यवस्था में शामिल होने की जरूरत है, अंदर से उसे देखने की और परखने की जरूरत है। और उसको मैंने कहा कि आखिरकार हमें क्या देखना है, हमें अपने देश को विकसित देखना है, हमें देश को वैश्विक पटल पे देखना है, हमें गर्व महसूस करना है कि हम सब भारतीय हैं और उसमें सबका योगदान होना स्वाभाविक है। ये सोच के मैं आया जी। देश में एक माहौल चल रहा है राम मंदिर को लेकर, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जो बना जैसे बना वो ठीक नहीं था, मैपिंग ठीक नहीं थी, कुछ लोग अगेंस्ट भी थे एग्जिस्टेंस के श्री राम के। आप क्या बोलना चाहेंगे अपने भारतीय जनता पार्टी के? मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप राम के खिलाफ क्यों जा रहे हैं, आप उस सेंटिमेंट के खिलाफ क्यों जा रहे हैं। हिंदुस्तान राम का प्रतीक है, राम हिंदुस्तान के प्रतीक हैं, उनके खिलाफ बोलना गलत है। और ये सब हो रहा है उनके आदेश से हो रहा है, हमें फख्र महसूस करना चाहिए कि हम उस देश में हैं जहां राम बसते हैं, जहां राम पैदा हुए, हम उस देश में हैं जहां बुद्ध पैदा हुए, गुरु गोविंद सिंह पैदा हुए, गुरु नानक पैदा हुए। हमें फख्र होना चाहिए, इसमें पक्ष और विपक्ष की बात ही नहीं, हम सबको एकजुट होकर एक मत होकर इसके बारे में सोचना चाहिए जी। और इसमें राजनीति बिल्कुल, अब राम में भी अगर आप राजनीति ले आएंगे तो ये तो बहुत ही खेद वाली बात है। देश में चुनाव चल रहा है, उस पर क्या बोलना चाहिए जी? देश में चुनाव चल रहा है, उस पर क्या बोलना चाहिए? बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, सब लोग अपने हक का इस्तेमाल करें और जो बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं वो लाएं। और हिंदुस्तान जिंदाबाद जी।